जितनी आगे तदवीन हुई है इमाम बुखारी मुस्लिम ये सब कहते हैं देखो ये उमवी दौर में जो कुछ होता रहा है सब गड़गड़ -गड़ के जो है वो इस तरह यानी पूरे दीन पे वो हमला करते हैं और ये जो आज हम भुगत रहे हैं ये भी असल उसी उनकी तहरीक का हिस्सा है कि जिसमें उन्होंने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम इनके लिए खत्ई का लफज इस्तेमाल किया Ooh. इन्होंने वो हदीसें रवायत की हैं जिन हदीसों में अम्बियालम की तरफ ख़ता की नस्बत की गई है जिन हदीसों में उनकी तरफ साफ की नस्बत की गई है नसीान की नस्बत की गई है तो उनके बकौल अल्लाह के अम्बियाल की तरफ ख़ता की नस्बत ये तोहहीने नबी है साफ की नस्बत तोहन नबी है नसीान की नस्बत तोहन नबी है ये उनका मज़हब है जिस पर चल कर आज कुछ लोग चलो वो रिफज वाले तो रिफज़ में गिरे हुए थे वो जो लांस या छोटी सी किताब लोगों को दे रहा होता है कि जुज्व रसूल सल्लम की तोहन कुफर है तो जुज्व रसूल सलाम तो क्या उनका तो मकाम ही बड़ा ऊंचा है हम तो नाले रसूल सल्म की तोहन भी कुफर समझते हैं लेकिन जिसको वो तोहहीन कह रहे हैं उसको तोहैन कहना ये रवाफिज का आकीदा क्योंकि रवाफिज के नजदीक तो नबी की खता नबी की तरफ नस्बत करें तो वो कहते हैं गुस्ताख हैं इमाम बुखारी उन्होंने ये हदीसें गढ़ के बनाई हुई हैं या फिर ऊपर माजल्ला यही लफज उन्होंने हजरत सिद्दीक उमर रदी अल्लाह तुमा के बारे में बोले हुए कि उन्होंने चंद हदीस मसलन जो हदीस किरतास में है हजरत उमर रदी अल्ला के अल्फाज के हमारे लिए कुरान काफ़ी है और इस तरह की जो चीज़ें तो उससे कि ये सारे माजल्ला गुस्ताख नबी हैं और इन्होंने ये समझा कि अब लिखेंगे तो ख़ता कर देंगे तो इस बुनियाद पर ये इतना यानी जो बड़ा हमला था रवाफिज का शेखैन करीमैन पर फिर उम्मत में बुखारी मुस्लिम पर उस हमले में आज ये जब रवाफिज ने हम पे किया तो ये भी साथ शरीक हो गया यानी सबसे पहले ये लफ्ज़ मेरे बारे में रवाफिज ने बोला है रवाफिज की जो सबसे पहले दिन के एहतजाज देख लो दूसरे दिन के तीसरे दिन के उसमें वो हमें ख़ताई कह रहे हैं अभी इन तक वो बात आई नहीं थी इन्होंने फिर उनसे सुनकर ये एहसास ही नहीं किया कि हम ये लफज बोलेंगे तो ये लफज इस जलाली पे तो छोटा तीर लगेगा बुखारी पे बड़ा लगेगा मुस्लिम पे बड़ा लगेगा जिसमें वो दोनों कहते हैं कि क्यामत के दिन जब हजरत आदम को कहा जाएगा कि अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिश करो फैज कुरु खती आता हूं तो वो अपनी खता का जिक्र करेंगे आगे से ये बुखारी में है ये मुस्लिम में है फिर आगे कई अंबिया का है कि उनके पास उम्मतें जाएंगी तो वो कहेंगे अब मेरी तो ये खता है अब ये इस लफज पर रवाफिज सफाया कर चुके हैं अपनी तरफ से तो उसी पर आकर उन्होंने इन लोगों को भी नशा दिया अपना और इनको बदमस्त कर दिया यानी आज बेचारे यानी शायद चले वहां गए जहां हया होती नहीं है हमारी एक बात का भी जवाब उनके पास नहीं ना क्या हम तक दे सकते हैं और मैं लाइव कह रहा हूं मैं दो मिनटों में उनके बुर्ज फौरन उल्टे कर दूंगा जो जब भी मेरे सामने पहुंचेगा लेकिन वो जिल्लत के मारे हुए कितना गलत रंग दे रहे हैं यानी वो अलैहि वसल्लम की तोहीन का कुफर होना कोई उस पर इख्तिलाफ नहीं कुफर है सरकार के तो कपड़ों की कोई तोहीन करे सरकार के नाल शरीफ की कोई तोहीन करे वो कुफर है लेकिन क्या जो लफज उनके बारे में बोला गया वो तोहीन है इसको क्या मत तक साबित नहीं कर सकते क्योंकि वो लफज नबियों के बारे में बोला गया और इज्तियादी की कैद के बगैर बोला गया और हजारों जगहों पर बोला गया हजारों आइमा ने बोला वो सिहाबा ने बोला वो खुद सरवर कौन बोला, तो या फिर यह है कि सईदा पाक रजी अल्लाह तहा का मकामो मरतबा माना जाए नबियों से भी ऊपर नबियों के लिए तो खता कलफ बोले तो गफर नहीं होता वो खता मुतलक बोल के इश्त्यादी मुरादलें इश्त्यादी का सा जिक्र कर दें और सईदा पाक रदी अल्लाह तहा के लिहाज से यह जिस पस में तो बोला ही इजतहादी का गया था कि पहले इजिहाद का जिक्र किया गया था फिर वो लफज बोला गया था तो ये लिए फिरते हैं अपनी उस हमाकत को नदामत को छुपाने के लिए और अपनी शिकस्त को कि इनके सुबाई सदर ने ये हमसे कहा था तो हमने फॉरन क्लिप रिकॉर्ड कर दिया था कि ठीक है कराओ मुनाजरा दाता साहब के दरबार का ऐलान कर दिया था और ये अगली फ्लाइट से बाहर भाग गए थे इस हद तक चूंकि शिकस्त खुरदा है और इन पे फटकार पड़ रही है अल्लाह की और अब बचावे में दो चार वर के वो पकड़ के वो दे रहे हैं मैं तो जालिमों, ये बताओ कोई तीन लाइनें दिखाओ कि जो अकीदा अल सुन्नत में लफ्ज खता बमाना इज्त और मुतलकन उसका जिक्र मुराद इजिहादी ये जो बुखारी मुस्लिम से लेकर आया है और रवाफिज ने इसका रद्द किया है तुम के चेले क्यों बन गए हो फिर कहते हो हम नहीं ये होना नहीं तो और क्या है इस फिकर पर और हम हैं अल्लाह के फजल से कल जो झंडा बुखारी मुस्लिम ने बुलंद किया था हम बुखारी मुस्लिम के दर्जे में नहीं लेकिन उनके कारकुन तो हैं और वो ये दर, हम अल्लाह के फजल से बता रहे हैं तो लफ्ज सुन्नत जो सिहाबा की अदाओं को कहा गया तो सरकार ने फरमाया इसमें रफ्जी सारे किसी खंबे पे के उल्टे भी हो जाए तो ये निकाल नहीं सकते